नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक वॉशिंग मशीन इंस्टॉलेशन अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू का वीडियो लेके। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारी LG की 7 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। फ्रंट लोड यानी कि फ्रंट से धुलने वाला। और अभी सबसे पहले इसकी बॉक्स को हम लोग कर लेंगे ओपन। बॉक्स को ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें जो जो क्या क्या चीज़ें करनी होती, इसके ऊपर से हम लोग जो इसके ऊपर की पैकिंग है, फर्स्ट हम लोग इस पैकिंग को निकाल देंगे। पैकिंग निकालने के बाद जो है हम लोग दूसरा इसका काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो ट्रांसपोर्ट होके आती है। बेसिकली जो वॉशिंग मशीन आपकी जो टाइप सी में आती है, वो आपकी एक सेमी ऑटोमेटिक होती है, दूसरी फुल्ली ऑटोमेटिक, एक फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग है। इसमें से जो हमारी ये वॉशिंग मशीन है, सामने से खुलने वाली फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। और अभी हमें इसको फिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए अभी क्या क्या चीज़ें करनी है, ये हम लोग इस वीडियो में अभी आगे जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इसका जो कंट्रोल पैनल है वो फ्रंट पे है, नीचे आपकी इसका डोर है जिसको ओपन करके कपड़े आपको इसके अंदर डालने हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो इसमें लगी हुई पैकिंग को है, पैकिंग को इस तरह से रिमूव कर लेंगे और इसके डोर को ओपन करेंगे और देखेंगे इसके में क्या क्या एक्सेसरीज है जो वॉशिंग मशीन को फिट करने के लिए हमें चाहिए होता है। और जब हमने डोर ओपन किया तो जैसे कि आप देख रहे हो, इनर ड्रम के अंदर जो है एक इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप के बाद इसकी एक कवर है। अब ये कवर किस लिए है, अभी इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अभी वॉशिंग मशीन को हमने एक इस तरह कर लिया और इसके ऊपर ये हमें जो इसमें से निकला एक इनलेट पाइप और एक कवर और एक पंपलेट है। और उसके साथ साथ ये हमारे वॉशिंग मशीन के बैक साइड पे 4 ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट लगे हैं जो कि हमें रिमूव करना होता है। जब भी वॉशिंग मशीन को फिट करना है, उससे पहले हमें ये ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट जो है वो निकाल देने होते हैं। उसके लिए आपको एक चार्ट पे मेंशन हुआ है कि क्या चीज़ों को कैसे कैसे करना है। पैकिंग को ओपन करने के बाद जो है हमें इस बॉक्स के अंदर ही इसको लगाना कभी भूलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि इसमें निकला नहीं। जब भी आप बॉक्स को निकालने के बाद पीछे देखोगे तो एक आपको रेड मैस ये प्लेट ये मिलेगी, जो कि ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वॉशिंग मशीन के अंदर नीचे से चूहे अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर के वायर को काट देंगे। वॉशिंग मशीन के बैक साइड पे लगे हुए हमें 4 ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट को इसी स्पैनर की मदद से इसको ओपन करके 4 बोल्ट को ऐसे हमें निकाल देना है। निकालने के बाद इसके साथ जो हमें कवर असेंबली मिली होती है, उस कवर असेंबली से इसको कंट्रोल कर देना है। उसके बाद इसको जैसे हम लोग ओपन करेंगे, उसके अंदर ही हमें इसके कवर लगे हुए कवर को ऐसे फिक्स कर देना है जिससे कि चूहे इसके अंदर बिल्कुल जाने ना पाए। जैसे कि आप देख रहे हो, इसको हमें इस तरह से फिक्स कर देना है। फिक्स करके इस वॉशिंग मशीन को फिर से हम लोग ऐसा टिल्ट करेंगे। टिल्ट करने के बाद इसमें जो है रेड मैस नीचे लगाएंगे जिससे चूहे, ये रेड मैस इसके नीचे, इसके लिए वॉशिंग मशीन को हमें टिल्ट कर देना है। और टिल्ट करने के बाद इसके पीछे ये आपको निकाल के इधर हमें फिक्स कर देना है। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी मोटर है, ड्रेन मोटर है, 2 हीटर है। जैसे कि दोस्तों, अभी हमने वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर दिया, अभी हम सबसे पहले डोर को ओपन कर लेंगे और कपड़े जो हैं हम लोग कपड़े को इस ड्रम के अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग डोर प्रॉपर तरीके से बंद कर देंगे, डिटर्जेंट बॉक्स को बाहर खींचेंगे। लेफ्ट हैंड पे हमारा मेन वॉश है, राइट हैंड पे प्री वॉश है, शॉपनर बीच में डालना है। और यहाँ पे हम जैसे प्रेस करेंगे हमारी वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी। वॉशिंग मशीन ऑन होने के बाद जो हमारे कितने कपड़े अंदर ड्रम में डाले हैं, कौन से कैटेगरी के, कॉटन है, कॉटन प्लस है, आपका मिक्स फैब्रिक है, इजी केयर है, साइलेंट वॉश है, और हाइजीन केयर है, और बेबी केयर है। ये प्रोग्रामिंग इसमें है। इसमें जिस टाइप के आपके कपड़े हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और उसके साथ स्टार्ट करना है। उसके राइट हैंड पे जो है आपका डेलिकेट्स है, हैंड वॉश है, स्पोर्ट्स वेयर है, क्विक 30 है, डुएट है, और इसके साथ आपका टप क्लीन है, डाउनलोड साइकिल है। ये सारे हमारे प्रोग्रामिंग है। और जैसे जिस प्रोग्राम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें हमें दिखेगा कि वॉश भी करेगा, रिंस भी करेगा, स्पिन करेगा, वाटर का टेम्परेचर क्या है और RPM क्या है। एडिशनल चीज़ें आपको इंटेंसिव चाहिए, रिंस प्लस चाहिए, या प्री वॉश एक्टिवेट करना है तो प्री वॉश जब भी करना है तो प्री वॉश की बटन को प्रेस करें तभी डिटर्जेंट हमें दूसरी तरफ से। ये हमारा वाईफाई का होता है, ये ऐड आइटम की इंडिकेटर एडिशनल होता है। ऐड आइटम का पर्पस क्या होता है, जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे तभी वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे कि अभी ये हमारा जो है क्विक 30 है, जैसे कम कपड़े हैं उसके लिए हम लोग जल्दी कपड़े को करना है, उसके लिए लास्ट में आपका ये टप क्लीन होता है जो वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए। अभी वॉशिंग मशीन को हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करके जैसे हमने यहाँ पे कॉटन को सिलेक्ट किया और अभी यहाँ से हमें RPM या वाटर टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना है तो हम लोग इस बटन को भी मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कपड़े की कैटेगरी है उस हिसाब से ये सेट करेगा और ऑटोमेटिक जो है इस बटन को, बाकी वहाँ पे जो आपका प्री वॉश के बगल की बटन है उसको हम लोग 3 सेकंड अगर प्रेस करेंगे तो हमारा वाईफाई भी ऑन हो जाता है डिले वाली बटन को। तो अगर हम लोग बाद में भी यूज़ करना है तो अभी लोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसके अंदर
ये कपड़े हैं वन टाइम जो है कम कपड़े हमने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कपड़े लमसम कुछ 30 के लिए है, तो हमने कपड़े इसके अंदर फिल कर देना है और ड्रम को एक बार रोटेट करके कपड़े जब भी अंदर डालें आपके कपड़े खुले होने चाहिए, आपस में गुत्थम गुत्थी होनी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि मशीन अनबैलेंस करेगी इसके लिए और वॉशिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको कपड़े को खोल के डोर को इसको बंद कर देना है और यहाँ पे हमें लिक्विड डिटर्जेंट हो या आपका सॉल्ट में हो पाउडर फॉर्म में हो आपको इधर ही डालना है। ये आपको जैसे एक आइडिया है कि आपने कितने कपड़े डाले हैं उसी हिसाब से आपको डिटर्जेंट डालना है। नॉर्मली एक लॉट के लिए आपको 25 से 30 ग्राम डिटर्जेंट डालना होता है, तो समथिंग 20 से 30 ग्राम डिटर्जेंट आपको डालना होता है। आपको डाल के डोल को आपको ऐसा बंद कर देना है। बंद करने के बाद वॉशिंग मशीन ऑन करके, अभी जैसे कम कपड़े हैं तो उसके लिए आपको जल्दी चाहिए तो आप उसके लिए रेगुलेटर से इसको ऐसे प्रोग्राम जैसे रेगुलेट करेंगे तो आपका एक एक प्रोग्राम ऐसा चेंज होता रहेगा। कपड़े की जो कैटेगरी है उस पर जैसे हम लोग आ गए क्विक 30 पे यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी क्विक 30 पे आ जाएंगे और बीच वाली बटन को जैसे हम लोग दबाएंगे तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो स्टार्ट हो गई। अभी जो लाइट ब्लिंक कर रही है हमारी वॉशिंग की है, जैसे वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगा तो रिंस की ब्लिंक करेगी और रिंस की भी कंप्लीट होगी तो स्पिन की भी ब्लिंक करेगी और उसके साथ साथ जैसे टाइम घटता रहेगा। और ये वाली जो लाइट्स आपकी इंडिकेट कर रही है हमारा ऐड आइटम का, अगर आपको लगता है कि हमने एक या दो कपड़े रह गए हैं और हमें उसमें ऐड करना है, पहले की वॉशिंग मशीन में आप ऐसा नहीं कर सकते थे बट अभी की जो वॉशिंग मशीन आ रही उसमें ऐड आइटम यूज़ करके एडिशनल भी कपड़े ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारी वॉशिंग मशीन को 30 वाले मोड पे ये प्रॉपर तरीके से अभी चालू हो गई। अभी इसके अंदर जो है वॉशिंग मशीन के अंदर जो है पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी आने के बाद जो है एक एक जैसे कि अभी ये वॉशिंग मशीन एक ही डायरेक्शन में ऐसा क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगी और लोड को डिटेक्ट करेगी और तो उसके साथ पानी आएगा तो वॉश प्लस रिंस और स्पिन ये टोटल कंप्लीट साइकिल। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी मशीन अभी जो है ये वॉशिंग मशीन चालू हो गई है और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे कि आप देख रहे हो वॉच का जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी वॉशिंग मशीन जो है अभी वॉशिंग का साइकिल स्टार्ट किया हुआ है और जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे टाइम इसका कम होता जाए, वैसे ही डिस्प्ले में आपको इसका टाइम दिखता रहेगा कि अभी हमारी वॉशिंग मशीन में कितना टाइम बचा हुआ है साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए। और इस तरह से अभी ये घूमना शुरू कर दिया है। और अगर हमें ऐड आइटम करना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ से ऐड आइटम को प्रेस किया, इस टाइम पे अभी हम लोग डोर को ओपन करके अगर एक आध दो कपड़े रह गए हैं तो कपड़े और ऐड करके उसके बाद फिर हम लोग इसको ऐसा बंद करके फिर से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ऐड आइटम की जो लाइट्स है ये कुछ टाइम तक ही इंडिकेट करती है समथिंग वॉशिंग मशीन का साइकिल स्टार्ट होने से 5 से 10 मिनट तक, जब तक उसके अंदर पानी का एक लेवल मेंटेन नहीं हो जाता। अगर लेवल मेंटेन हो जाएगा तो जो आपका ऐड आइटम का लाइट जो जल रहा है वो जलना जो है वो बंद हो जाता है। तो जैसे कि आपने जो हमने इसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाला था वो लिक्विड डिटर्जेंट अंदर चला गया है और उसके साथ साथ जो है हमारी वॉशिंग मशीन जो है धीरे धीरे जो है अपने कंप्लीट साइकिल की ओर जा रही है। जैसे कि फिर अभी हमने ऐड आइटम की बटन प्रेस किया तो अभी मशीन हमारी रुक गई और हम लोग डोर को ओपन कर सकते हैं और फिर हम लोग बंद करके जैसे स्टार्ट करेंगे तो मशीन हमारी उसी जगह से समथिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐड आइटम का जो यूज़ रहता है कि फ्रंट लोड में पहले क्या था कि आप